सवाल ये नहीं है कि बंदर ने बस्तियां क्यों जलाई, क्योंकि बंदर का तो नेचर ही होता है उछल कूद करने का। या आप जैसे अधिकारी अगर आपस में टकराव पैदा करेंगे तो संदेश अच्छा थोड़ा ही जाएगा। आप दोनों लोग बिहार के लिए मिसाल बनिए, उदाहरण पेश करिए और उस बिहार को आगे बढ़ाइए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय रहे, साझा प्रयास रहे, ये हमारी अपेक्षा। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के टकराव के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग को लेकर सरकार से विपक्ष सवाल कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि अब विपक्ष ने आरोप लगाया है, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि बंदर के हाथ में कोई चीज सौंप दी जाए तो क्या होगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आश्रित नाथ तिवारी ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीपीएससी के अध्यक्ष के बीच समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। साथ ही साथ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बिहार में शिक्षा बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुख्यमंत्री आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। क्या कुछ तीनों बोल रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है और इस पर सरकार क्या कुछ विपक्ष को जवाब दे रही है, हम आपको सुनवाते हैं पूरी बातों को। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली हालत हो गई है बिहार और बिहार के शिक्षा विभाग की। नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के कारण, उनके गलत निर्णय के कारण शिक्षा विभाग पिछले एक साल से पूर्ण रूपेण कंट्रोवर्सीज में ही है। कभी मंत्री 25 दिन विभाग में नहीं आते तो कभी विभाग के शिक्षकों को हिंदू मुसलमान का फर्क समझा दिया जाता है, शिक्षकों को कह दिया जाता है कि आप काम नहीं करते हैं, और कुलाधिपति के विशेषाधिकार में भी शिक्षा विभाग कंट्रोवर्सी कर देता है। अब तो हद ये हो गई है कि बीपीएससी से भी शिक्षा विभाग ने राड़ ठान ली है। सवाल ये नहीं है कि बंदर ने बस्तियां क्यों जलाई, क्योंकि बंदर का तो नेचर ही होता है उछल कूद करने का। बड़ा सवाल यह है कि बंदर के हाथ में वो मशाल किसने दी। इसीलिए नीतीश कुमार जी, आप जिम्मेदार हैं इस तरह के विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव के लिए, सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इस बार बीपीएससी ने जिस तरह से शिक्षकों की परीक्षा ली है, बहुत तारीफ हो रही है बीपीएससी की, और के पाठक जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आम समाज में लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये दोनों अधिकारी अपने अपने कर्तव्यों का जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं वो एक मिसाल है। तो भैया, आप जैसे अधिकारी अगर आपस में टकराव पैदा करेंगे तो संदेश अच्छा थोड़ा ही जाएगा। आप दोनों लोग बिहार के लिए मिसाल बनिए, उदाहरण पेश करिए और उस बिहार को आगे बढ़ाइए। टकराव खत्म करना होगा, ये आग्रह है हम सबका। आयोग के माध्यम से पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक मुश्त शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जो देश के लिए ऐतिहासिक है। बिहार की सरकार अपने किए हर वादे के लिए कृतसंकल्पित है। 10 लाख नियुक्तियों का जो वादा था उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग लगातार बिहार के विद्यार्थियों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए प्रयासरत है, कृतसंकल्पित है, और गुणात्मक सुधार भी लगातार दिख रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय रहे, साझा प्रयास रहे, ये हमारी अपेक्षा है।